हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सब लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। और दिवाली का मौका है, सुबह से ही सोच रही थी कि चलो व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, बट यहाँ पर यूएस में वीकडेज में दिवाली जो है वो है, आज मंडे है, तो सुबह तो बिजी बिजी सा शेड्यूल था, उसके बाद घर के काम वगैरह, तो अब आफ्टरनून का टाइम हो गया है और अब जाके मैं प्रॉपर जो है व्लॉग स्टार्ट कर पाई हूँ। तो अभी लंच वगैरह हो चुका है और भूमि सो रही है, दिस इज ऑल द थिंग। और पुष्पेंद्र का ऑफिस का जो काम है वो चल रहा है, वर्क फ्रॉम होम। तो सबसे पहले तो चलिए दिवाली की विशेस आप लोगों को दे देती हूँ। तो मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से आप सभी को, आप सभी की फैमिली को अ वेरी हैप्पी दिवाली। सो आशा करती हूँ कि आप सबकी दिवाली बहुत ही ज्यादा खुशियों भरी रहे और आने वाला जो साल है वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहे। सो सुबह के टाइम में मैंने कुछ कुछ कुकिंग की है, और पहले मेरा प्लान था कि कुछ सिंपल सी कोई मिठाई बनाऊंगी, बट ऑलरेडी ना फ्रिज में मिठाई रखी हुई है और इसलिए मैं बना नहीं रही हूँ। जितनी ज्यादा बनेगी उतनी ज्यादा खाई जाएगी, बट हाँ मैंने स्वीट में कुछ बनाया है। तो चलिए मैं आपको अपना कुकिंग पार्ट दिखा देती हूँ कि आज मैंने क्या क्या बनाया है और क्या क्या रहता है। ओके गाइस, सो स्टार्ट करते हैं खीर बनाने से। तो यहाँ पर मैंने एक बोल में हाफ कप राइस लिए हैं और 15 मिनट्स के लिए मैंने इनको पानी में सोक कर दिया है। आफ्टर दैट मैंने वॉश करके इनको ड्रेन किया और प्रेशर कुकर में थोड़ा और पानी ऐड करके 1 विसल के लिए कुक कर लूँगी। ऑल्सो यहाँ पर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, तो मैं इनको चॉप नहीं कर रही हूँ, इनको होल ही डालूंगी, सो दैट बच्चे कई बार स्किप करते हैं तो ईजिली निकाल सकें। और यहाँ पर ना राइस रेडी हो गए हैं, तो इसको एक बबार चला दिया मैंने। एंड आफ्टर दैट मैं इसे 3 to 4 कप्स यहाँ पर मिल्क ऐड कर रही हूँ, ये होल मिल्क है। एंड आफ्टर दैट जो ड्राई फ्रूट्स थे वो भी ऐड कर दिए, इसको मिक्स कर दिया अच्छे से। एंड उसके बाद हम इसको अराउंड 20 मिनट्स तक और पकाएंगे, और फ्लेम कम कर दिया है। धीरे धीरे ये पकेंगे, राइस ड्राई फ्रूट सारी चीज़ें आपस में कंबाइन होंगी। तो हमारी खीर हो गई है रेडी, और मैंने इलायची पाउडर ऐड किया है और 3-4 चम्मच मैंने चीनी ऐड की है, दैट डिपेंड्स ऑन योर टेस्ट। एंड मिक्स कर लिया इसको अच्छे से, तो ये हमारी खीर अच्छी सी रेडी हो गई है। और जब मम्मी आई थी US तो मुझे ये रेसिपी सिखा कर गई थी, तो अभी मैंने भगवान जी को चढ़ा दी है थोड़ी सी खीर। ऑन द अदर हैंड मैंने यहाँ पर ये येलो मटर हैं ओवरनाइट सोक किए थे, जो कि अच्छे से सोक हो गए हैं, इनको भी मैं वॉश करके ड्रेन करूँगी और प्रेशर कुकर में 7 to 8 विसल के लिए पका लूँगी। एंड इसका तड़का तैयार करती हूँ, और बहुत ही बेसिक मसालों के साथ ये बनती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। एंड फॉर अ चेंज आज मैंने ना कुछ पनीर के क्यूब्स इसमें ऐड किए हैं, क्योंकि मुझे लग रहा था थोड़ा सा नमक ज़्यादा हो गया इसमें, तो मैंने पनीर ऐड किया तो उससे बैलेंस हो गया वो, और ये सब्ज़ी काफ़ी अच्छी बनी थी। सो हेयर इज़ आर दिवाली स्पेशल लंच रेडी, और सिंपल सा ही लंच है लेकिन बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही होमली लंच है। और उसके बाद जो भी मैंने कुकिंग वगैरह की थी ना, उसको मैं ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ दूसरे कंटेनर्स में, सो दैट किचन को मैं थोड़ा साफ कर पाऊँ और थोड़ी बहुत कुकिंग और रहती है वो कर पाऊँ, तो इसको मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है। ऑल्सो उसके साथ ही मैंने आलू और बैंगन की ये मसालेदार सब्ज़ी भी बनाई थी, जिसको मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया इसका पार्ट, तो उसको भी मैं ट्रांसफ़र कर देती हूँ। और यहाँ पर मैं पनीर और कैप्सिकम की सब्ज़ी और बना लेती हूँ, उसके बाद मेरा कुकिंग का पार्ट ऑलमोस्ट डन हो जाएगा। तो इसमें मैंने कैप्सिकम ऐड किए हैं और मसाला तैयार किया था, जिसे नॉर्मली पनीर की सब्ज़ी का करते हैं। ओके, सो टाइम हो गया है अराउंड 3 o'clock, और सिया के स्कूल से आने का भी टाइम हो रहा है, तो मैंने जल्दी से किचन भी साफ कर दिया है और सारे जो यूटेंसिल्स वगैरह थे सब वॉश कर दिए हैं, सो इट्स लुक्स मच बेटर नाउ। और उसके बाद मैं और भूमि हम दोनों जा रहे हैं सिया के बस स्टॉप पे उसको लेने। सो अभी शाम के 5 बज गए हैं और बीच का पार्ट मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। सिया स्कूल से आई, उसके बाद मैंने दोनों बच्चों के लिए स्नैक्स बनाया और पुष्पेंद्र के लिए भी कॉफ़ी बनाई, और अभी मैं जा रही हूँ वॉक पे। तो वैसे मैं सोच रही थी आज स्किप कर देती हूँ, और ऑलरेडी किचन में इतना काम कर लिया है थोड़ी टायर्डनेस तो हो ही जाती है, बट आई डिसाइडेड कि नहीं, वॉक करने जाना ही है, सो मैं जा रही हूँ और जल्दी आ जाऊँगी थोड़ा सा।
सो वॉक से वापस आ गई हूँ मैं, और उसके बाद मैंने घर आकर पूजा की थाली रेडी की। तो ये हमारी दिवाली पूजा की थाली है, तो इसी के साथ हम लोग लक्ष्मी पूजन करेंगे। एंड उसके बाद अब मैं जाती हूँ किचन से बाहर और बच्चों को रेडी करना स्टार्ट करती हूँ। और पुष्पेंद्र ने बना दिया है उनका जो फेवरेट है रायता, और साथ में सैलड वगैरह कट कर दिया है, जो फाइनल काम रहता है वो कर रहे हैं। और मीनवाइल मैं बच्चों को रेडी कर रही हूँ। तो आज सिया और भूमि को बड़ा ही तैयार होने का मन है कि हमें लहंगा पहनना है, तो दोनों को मैं लहंगा पहना रही हूँ, बिंदी, थोड़ा बहुत इनको मेकअप भी करना है। तो गर्ल्स को बड़ा ही शौक होता है तैयार होने का, तो दोनों हो रही हैं यहाँ पर रेडी टर्न बाय टर्न, और सिया हो गई है रेडी। तब तक उसके एक दो क्लिप्स यहाँ पर पुष्पेंद्र क्लिक कर रहे थे और मैं भूमि को रेडी कर रही थी। और भूमि भी रेडी होकर आ गई है, और सिया और भूमि दोनों बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहे थे, और मैं भी रेडी होकर आ गई हूँ। तो मैंने ये साड़ी पहनी है, ये शादी वाली साड़ियों में से ही है, काफ़ी टाइम से रखी हुई थी, सोचा आज इसी को पहन लूँ। और सिंपल सी साड़ी है, बॉर्डर वाली, थोड़ा नेट वाला पार्ट है नीचे, तो इस तरीके से अब मैंने बहुत ही बेसिक सा ही रखा। तो लक्ष्मी पूजन और आरती हमने कर ली है, उसके बाद हम लोग आ गए हैं किचन में। तो अभी मैं पूड़ियाँ सेकना स्टार्ट करूँगी, दिवाली पे पूड़ियाँ वगैरह पकवान ज़रूर बनता है हमारे यहाँ, तो इसीलिए अब मैं आज शाम को बना रही हूँ। आफ्टरनून में तो मैंने रोटियाँ ही सेक दी थी, और आज एक गेस्ट भी घर पे आए हैं, एक फ्रेंड हैं, उनको बुलाया है घर पे। अच्छा लगता है, फेस्टिवल है तो अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ सेलिब्रेट करो, और फ्लोरिडा में बहुत ज़्यादा लोगों से तो हमारी जान पहचान नहीं है, तो उनको बुलाया। और सिया और भूमि को मैंने खाना दे दिया है, ऑल्सो अब यहाँ पर मैं और पुष्पेंद्र दोनों मिल के कर रहे हैं काम। सो ये रही हमारी फेस्टिवल स्पेशल थाली, और आज हमने सोचा कि थाली में खाना सर्व करते हैं, थोड़ा फेस्टिवल जैसी वाइब्स आएंगी। यूजुअली क्रॉकरी वगैरह में तो खाते ही रहते हैं, बहुत अच्छा लगा। और डिनर होने के बाद हम लोग बाहर आके बच्चों के साथ थोड़े बहुत क्रैकर्स चलाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लेकर आए हैं, एक दो पैकेट्स ही लाए थे। सो अभी दिवाली का नेक्स्ट डे है, तो आज गोवर्धन पूजा होती है, और मैं यहाँ पर गोवर्धन पूजा पे कुछ नहीं करती हूँ, मेरी मदर इन लॉ इंडिया में गोवर्धन बनाती हैं, वो पूजा वगैरह करती हैं, तो ये होता है। और अभी ब्रेकफास्ट बन रहा है, बेसन चीला बनाया था ब्रेकफास्ट में, और आज दोनों का ही स्कूल है, तो दोनों बहनें एक दूसरे को हक करके स्कूल जा रही हैं। पुष्पेंद्र भूमि को छोड़ने जाएंगे और मैं सिया को उसके बस स्टॉप पे छोड़ूंगी, इस तरीके से रहेगा। एंड आफ्टर दैट दिवाली के जो दिए वगैरह हैं वो सब उठा कर रखने हैं, एंड देन जो प्रसाद वगैरह है ये सारी चीज़ें। से हाय। और अभी जो भी हमारे इंडियन फेस्टिवल के कपड़े पहने थे वो सब मैं उठाकर रख रही हूँ, और कितना अच्छा लगता है जब हम लोग इस तरीके से फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। और हमारी दिवाली बहुत अच्छी रही, मैं उम्मीद करती हूँ आप सबकी दिवाली भी बहुत अच्छी रही होगी। इसी के साथ ब्लॉग को एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरी वन, बाय, टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड।